हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो लेटर है ये वोटर कार्ड की लेटर है। जो आप वोटर कार्ड, जो पीवीसी वाले वोटर कार्ड, अब बाय स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके घर पे देखने को मिलेगा। इसके लिए अब आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, बस अब अप्लाई करेंगे या रिप्रिंट वगैरह या डुप्लीकेट के लिए, रिप्रिंट के लिए अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद में 2 से 3 सप्ताह में आपके घर पे देखने को मिल जाएगा। ये स्पीड पोस्ट के माध्यम से आएगा। तो अब यहाँ पे स्पीड पोस्ट, साथ ही कस्टमर आईडी, साथ ही यहाँ पे जो जिस व्यक्ति का रहेगा उसका सारे नाम, साथ उसके साथ ही सारे एड्रेस मेंशन क्या होगा, साथ ही यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर भी, आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से ट्रैकिंग करना तो नंबर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपको ये जिला निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से ये आपको देखने को मिलेगा। ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट ये आपको इशू करता है। साथ ही यहाँ पे वोटर हेल्पलाइन जो है, इनका जो ऐप वगैरह से भी आप ये रिप्रिंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने ये अप्लाई किया था, अप्लाई के 2 से 3 सप्ताह में हमें ये मिल गया। मिलने के बाद में इसे हम ओपन करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर में लेटर भी है, साथ ही इसके अंदर एक पीवीसी वाले जो वोटर कार्ड है, वोटर कार्ड भी हमें इसमें लग रहा है कि है। तो चलिए इसे हम ओपन, आप कहीं से भी इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए इस वाले इनवेलप, ये जो लिफाफ है उसे ओपन करेंगे। ओपन के लिए इसके अंदर में जो पेज है उसे हम बाहर करेंगे। एक हाथ से निकालने में थोड़ा परेशानी हो रहा है। देखिए, जैसे ये वाले जो ये जो पेपर रहेगा, अब इसके अंदर में कुछ भी नहीं है, ये एक इन्वेलप है जो लिफाफा है, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं। चलिए इसे हम साइड कर लेते हैं। इस टाइप की आपको लेटर देखने को मिल जाएगा। तो ये लेटर रहेगा, इसमें जो फोल्ड किया हुआ है, देखिए कुछ इस टाइप से ये लेटर आपको देखने को मिलेगा। A4 साइज की लेटर है। इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट का सारे डिटेल रहेगा, जो आपका डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से, जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा डिस्ट्रिक्ट, साथ ही वहाँ पे जो नंबर वगैरह, जो ईपिक नंबर होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे निर्वाचन आयोग डिटेल वगैरह आप देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे आपका एड्रेस जो इसका, साथ ही यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह आपको इस डिस्क्रिप्शन टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो है कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन रिसीविंग योर ईपिक जो है, आपको ये वाले देखने को मिल जाएगा। साथ ही अब यहाँ पे जो जनरेट का जिनकी तरफ से, जो अब यहाँ पे देखने को डिस्ट्रिक्ट जो है, इलेक्शन जो ऑफिसर वगैरह, साथ ही यहाँ पे जो इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये जो कार्ड है, ये जो कार्ड है ये चिपका होता है, ये गमिंग या डबल टेप के माध्यम से चिपका होता है। तो इसे हम थोड़ा आराम से हम बाहर कर लेंगे ताकि पेपर भी ना फटे, ये बाहर भी हो जाए। तो बाहर होने के बाद में कुछ इस टाइप से आपको ये कार्ड है, ये आपको देख सकते हैं, ये है वोटर कार्ड, जो पीवीसी वाले वोटर कार्ड है। इसे मैंने रिप्रिंट किया था, तो रिप्रिंट के लिए हमें कोई चार्ज वगैरह देने की जरूरत नहीं लगा। आपको भी कोई चार्ज वगैरह देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्री में रिप्रिंट हो रहा है अभी। तो ये पीवीसी वाले जो आपका जो वोटर कार्ड पुराना होगा, उसे पुराने को नए कार्ड में रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये होगा, इसे साइड कर दे, ये वाले जो लेटर है, अब ये लेटर का कोई यूज नहीं है। इस साइड से आपको कुछ इस टाइप से देखने, A4 साइज में आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं A4 साइज में आपका जो मेन जो प्रॉपर है, ये वोटर कार्ड है, जो नए वाले जो वोटर कार्ड है, ये हो गया, ये पीवीसी वाले वोटर कार्ड, ये सारे जगह मान है। अब यहाँ पे जो ईपिक नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ साथ ही यहाँ पे आपका नाम और जो आपका रिलेटिव वगैरह का नाम होगा, उनका नाम देखने को मिले सारे, और इसका एड्रेस जो है इनके पीछे में, अब यहाँ पे सारे एड्रेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस टाइप से आप जो है वोटर कार्ड है आपको बाय पोस्ट मिल रहा है। पहले वाले जो पेपर वाले जो वोटर कार्ड था वो बंद हो चुका, अब क्योंकि सारे के सारे आप डिजिटल टाइप की मिल रहा है, तो पीवीसी वाले वोटर कार्ड मिल रहा है। जब भी मिले तो आपको जैसे रिप्रिंट के लिए अप्लाई करेंगे तो 2 से 3 सप्ताह में आपको बाय पोस्ट घर पर मिल जाएगा। वहाँ से आप ना मिले तो आप इनका जो अपने जो नियर बाय पोस्ट ऑफिस है, वहां से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।